देखो बेटा ध्यान से, इफ साइन अल्फा प्लस, बेटा आवाज म्यूट करो, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी, प्रूव दैट प्रूव दैट। फर्स्ट देखिए बेटा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू। पहला प्रूफ करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू, और सेकेंड हमें प्रूफ करना है टेन अल्फा माइनस बीटा वाई टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी गिवन। फर्स्ट वाला देखो कितनी आसानी से हम प्रूफ करते हैं, देखो बेटा फर्स्ट वाला कितनी आसानी से प्रूफ होगा, किसी को आइडिया कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो बेटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा। तो देखो बेटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर इसका होल स्क्वायर ओपन करो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इधर पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, तो वन लिख प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ए भी वन हो जाएगा, प्लस रिमेनिंग दोनों पार्ट में दोनों टर्म में हम टू कॉमन ले लेंगे, तो पहले लिख दिया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा वन प्लस वन टू प्लस टू, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा क्या होता है बताओ बेटा फॉर्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा, वेरी गुड,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा टू को साइड ले जाओ तो टू कॉस, समझ में आ रहा है ना बेटा सबको, टू कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा बताओ बेटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन ए हो गया प्रूफ। अब देखो बेटा हमें टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू फाइंड करना है, तो कॉस और टेन की फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस का टेन की फॉर्म में, बताओ क्या होता है। हाँ देखो ए होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू और अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। इस पूरे को सॉल्व कीजिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो जल्दी बताओ टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा वाई टू क्या होता है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा वाई टू की वैल्यू। वन माइनस आएगा प्लस वन माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, शायद ये आएगा चेक करके देखो, ऊपर प्लस आ रहा है कि माइनस। अब वैल्यू पुट करो, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कॉस अल्फा माइनस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू, तो इधर आएगा टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू अपॉन में वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन। सॉल्व करो बेटा इसको, सॉल्व करिए बेटा, तो इधर आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू इक्वल टू टू एलसीएम ले लो ऊपर, तो इधर आएगा टू माइनस, आएगा कि नहीं, टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का टू हो जाएगा अपॉन में टू एलसीएम ले लो बेटा, तो टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू। देखो बेटा क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इधर प्लस टू से माइनस टू कैंसिल हो गया, तो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू इक्वल टू फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा हम, स्क्वायर हटाएंगे तो टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यही करना था बेटा प्रूफ, बोलो। वेरी गुड, नेक्स्ट। बड़ा शानदार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
साइन थ्री ए के फॉर्मूले सबको पता है ना बेटा, साइन थ्री ए लिखो बेटा, इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा इक्वल टू ट्वेल्व कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, ये प्रूफ करना है। अच्छा ये तो आपने पढ़ा होगा ना, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन सबको पता होगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड वेरी गुड। अब इधर देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू जीरो, प्लस कॉस गामा इक्वल टू जीरो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम लिख सकते हैं, कॉस क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब बीटा प्लस कॉस क्यूब गामा इक्वल टू थ्री कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, यही लिखा जा सकता है बेटा, बोलिए। अब एलएचएस ले लो बेटा सॉल्व करने के लिए, कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा, यहां पर कॉस थ्री ए का फॉर्मूला तीनों में अप्लाई करो, क्या होता है कॉस थ्री ए का बोलो, हाँ तो इधर आएगा फोर कॉस क्यूब अल्फा माइनस थ्री कॉस अल्फा, इधर पर क्या आएगा फोर कॉस क्यूब बीटा माइनस थ्री कॉस बीटा, प्लस इधर पर कॉस थ्री गामा थ्री सॉरी फोर कॉस क्यूब गामा माइनस थ्री कॉस गामा। अब देखो बेटा इसमें 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 फोर कॉमन आ रहा है, तीनों में फोर कॉमन आ रहा है, फोर कॉमन ले लो, तो इधर आएगा कॉस क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब बीटा प्लस कॉस क्यूब गामा, बाकी तीनों में माइनस थ्री कॉमन आ रहा है, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। देखो बेटा इन तीनों का सम कितना है, जीरो, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, थ्री, वेरी गुड, कॉस थ्री अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये हो जाएगा माइनस इधर पर जीरो, इट मींस ट्वेल्व कॉस अल्फा
कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये हो गया प्रूफ। आया बेटा समझ में? बोलो। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, प्रूव दैट cos 6a इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6a माइनस 48 cos टू द पावर 4a माइनस नहीं, इधर पर प्लस है, प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब इसे हमें सॉल्व करना। तो देखो बेटा, RHS में पूरा cos की टर्म में है ना, कहीं साइन तो नहीं दिख रहा, तो हमें LHS को पूरा cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। LHS को पूरा cos में, तो देखो LHS को cos में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। पहले हाफ एंगल का फॉर्मूला, cos 6a को क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा? 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1 और फिर 2 ब्रैकेट में cos 3a का होल पावर 2 माइनस 1 और इधर पर cos 3a का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है बेटा cos 3a? 4 cos क्यूब, वेरी गुड, और फिर माइनस 1। अब इधर पर होल स्क्वायर ओपन करो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, इट मींस 16 cos टू द पावर 6a प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 9 cos स्क्वायर a और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू इस वाले टर्म का इंटू इसका, माइनस 2 इंटू a और a, तो कितना होगा माइनस 24 और cos टू द पावर 4a आ जाए। इधर पर माइनस 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 cos टू द पावर 6a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 48 cos स्क्वायर a और माइनस 1। देखो बेटा यही तो प्रूफ करना है, अरेंज कर लेना पावर के अकॉर्डिंग। बोलो बेटा। अच्छा इधर पर, हाँ 4 ले दो, सही 4 है, इधर 4 था ना, 4 ही रहेगा। नेक्स्ट हो गया बेटा सबका है? नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट कॉस 5a, अब इधर पर 5a है तो 16 कॉस टू द पावर 5a माइनस 20 कॉस क्यूब a और प्लस 5 cos a, ये हमें प्रूफ करना। बताओ बेटा क्या करेंगे इसमें, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ। LHS तो बेटा लेना ही हम लोगों को। अब आप सोच रहे कि इसके पहले जैसा हमने सॉल्व किया था वैसे सेम करेंगे, एंगल का हाफ
बट प्रॉब्लम हो जाएगा, 5a का हाफ मीन्स 5a बाई 2 हो जाए, आगे कंडीशन ही नहीं बनेगी। कुछ सोचो बेटा क्या कर सकते हैं। देखो बेटा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसे cos 3a प्लस 2a लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से प्रॉफिट a होगा जब इसमें फॉर्मूला cos a प्लस b का फॉर्मूला बनाएंगे या इसको उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास cos 3a बनेगा, कहीं sin 3a तो cos 3a का फॉर्मूला होता है sin 3 का होता है, ऐसे ही कहीं cos 2a बनेगा तो उसका भी फॉर्मूला होता है sin 2a का भी। देखो बेटा बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, cos a प्लस b cos a इंटू cos b और इधर माइनस होता है sin a और इंटू sin, क्लियर बेटा? अच्छा cos 3a की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, हमें cos में चाहिए तो सारे टर्म cos में कन्वर्ट करने, सारे टर्म cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अच्छा cos 2a को क्या लिखेंगे हम बेटा? वेरी गुड, तो पहला टर्म तो पूरा cos में हो गया माइनस, sin 3a का फॉर्मूला तो sin में ही रहता है, करो पहले 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a और sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a। बेटा अभी टेंशन नहीं लो, जो इसका सेकंड वाला टर्म आया ना जिसमें sin है वो सब cos में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो इधर भी sin दिख रहा है, इधर भी sin दिख रहा है, ये cos में कन्वर्ट हो जाएंगे, परेशान नहीं हो बेटा। पहले मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, तो पहले इसका दोनों में तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 8 cos टू दी पावर 5a, ठीक है बेटा, माइनस 4 cos क्यूब a, क्लियर? और फिर 3 क्या करेंगे, 3 cos a का, तो माइनस 6 cos क्यूब a, यही होगा बेटा, और माइनस प्लस 3 cos a। बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया, मल्टीप्लाई सही तरीके से हुआ कि नहीं बोलो? माइनस, अब देखो बेटा इन दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, इन दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, तो ले लो बेटा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a, ले लिया साइन कॉमन तो वो साइन इधर इनटू में पहुंच जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर a और बाहर cos a। बेटा ध्यान से हमने किया क्या है, इधर से साइन a कॉमन ले लिया, इधर से हमने साइन a कॉमन लिया और साइन a का इधर पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन स्क्वायर। अब देखो इस साइन स्क्वायर a को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a को cos में, देखना बेटा इधर होगा 8 cos टू दी पावर 5a, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 10 cos क्यूब a प्लस 3 cos a, माइनस इसे कॉस में कन्वर्ट करो तो 3 माइनस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको भी कन्वर्ट करेंगे 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाहर कॉस ए, ठीक है बेटा। तो पहला टर्म जैसा है वैसा लिखा रहने दो, माइनस 10 कॉस क्यूब a प्लस 3 कॉस a माइनस, कितना
कितना होगा बेटा इधर पर, 3 माइनस 4 माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब इधर पर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कॉस ए, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस ए और माइनस 2 कॉस क्यूब ए। मल्टीप्लाई कर दिया हमने कॉस ए का इस वाले पार्ट में, तो पहला टर्म जैसा है वैसा रहने दो, 8 कॉस टू दी पावर 5 ए माइनस 10 कॉस क्यूब ए प्लस 3 कॉस ए। अभी ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सेकंड वाले टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। माइनस ब्रैकेट में इधर पर कितना हो जाएगा ये बताओ, 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इधर पर 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस क्यूब ए। अब इनटू किए दे रहे बेटा, पहला टर्म जैसा है वैसा कर दिया इधर पर, बार बार क्यों लिखे, पहला टर्म जैसा है वैसा सेम इधर पर। ठीक है बेटा, अब इनटू कर रहे हैं तो पहले 4 कॉस स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके बेटा, सबको समझ में आ रहा ना, 4 कॉस स्क्वायर का इधर 8 कॉस क्यूब ए। आप लोग भी करते जाइए और हर एक स्टेप चेक करते जाइए, जैसा इधर पर हम कर रहे हैं वैसा ही आप लोगों को आ रहा है। फिर 4 कॉस स्क्वायर ए का इधर तो माइनस 8 कॉस टू दी पावर 5 ए माइनस 1 का करो माइनस 2 कॉस ए और प्लस 2 कॉस क्यूब ए। देखो बेटा सबका यही आया ना, बोलो बेटा। चलिए आगे देखिए, अब पहला टर्म जैसा है वैसा लिखा रहे, ब्रैकेट हटा दो अब। ठीक है, ब्रैकेट हटा दीजिए, 8 कॉस टू दी पावर 5 ए माइनस 10 कॉस क्यूब ए और प्लस 3 कॉस ए। अब इधर पर देखो, इधर पर 8 कॉस क्यूब ए और 2 कॉस क्यूब ए प्लस का है ना बेटा, और बाहर आएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई। देखो इसको और इसको ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस 10 कॉस क्यूब ए। इधर ये माइनस का है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 8 कॉस टू दी पावर 5 ए, ए भी माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 कॉस ए। हो गया बेटा प्रूफ, तो देखो इधर 16 कॉस टू दी पावर 5 ए आएगा, कैसे ये दोनों ऐड हो गए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 20 कॉस क्यूब ए प्लस 5 कॉस ए। कर लीजिए बेटा, थोड़ी टाइम लग गया लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, हो गया बेटा सभी का नोट। अरे बोल दिया करो बेटा, हुआ सभी का नोट। ओके बेटा, प्रूव दैट, प्रूव दैट, लिखो बेटा
साइन 5 थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा माइनस 20 साइन क्यूब थीटा और प्लस 16 साइन टू दी पावर 5 थीटा। ये प्रूफ करना है, जैसे अभी कॉस वाला किया ना सेम वैसा ही। तो साइन 5 थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा माइनस 20 साइन क्यूब थीटा प्लस 16 साइन टू दी पावर 5 थीटा। एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके आना है।